So in this video we will solve the next question, exercise 5.2, that is question number 8, similar to question number 7. And AP consists of 50 terms. So here we have a total number of terms, that's 50 terms. So of which third term is 12. Third term 12 di gayi hai. And the last term means jo 50th term hogi, will is 106. So aapko find the 29th term. So aapko 29th term. Bachcho kya kya given hai yahan par? Bataya hai total number of terms 50 hai. तो n आपका 50 है, number of terms. Third term given है 12, तो third term भी given है. और last term means जो nth term होती है, वो last term भी given है. Last term कौन सी हमारी है? 50th term, क्योंकि 50 terms है यहाँ पर. Total terms 50 होगी, तो last term 50th होगी, वो है 106. तो आपको कौन सी term find करनी है? 29th term, okay? So let us solve. तो सॉल्व से पहले आप क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में इसको, लेट हमेशा लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी. ठीक है, इस चीज को आपने हमेशा लिखना है स्टार्टिंग में. अब आपके पास क्या क्या गिवन है? आपके पास थर्ड टर्म ए थ्री 12 है, तो a3 कैसे लिखेंगे? सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, a प्लस 2d, ये आपकी 12, ये फर्स्ट रखेंगे आप पहली इक्वेशन. n 50 है और लास्ट टर्म, टोटल लास्ट टर्म जो 50, तो n हमारी 50 है ना, तो 50th टर्म हमारी 106, तो an जो है वो 50 दिया है, दैट मींस a 50 इज इक्वल टू 106. सो लास्ट टर्म 50th टर्म जो होगी वो 106 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? a प्लस 49d इज इक्वल टू 106. तो फिर से दो इक्वेशन बन गई, तो फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, हम करेंगे फिर से एलिमिनेशन मेथड. तो क्या करेंगे, हम साइन चेंज करेंगे, कोएफिशिएंट सेम पहले से है, ये बनेगी माइनस की, प्लस है तो माइनस, अगेन प्लस है तो माइनस. तो लेट अस सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, a और माइनस a कैंसिल कर लेते हैं. ठीक है, तो माइनस 49d में से 2d कितने हो गए? माइनस 47d. और 106 में से 12 को निकालते हैं. ठीक है, तो 12 माइनस 106 और 12 कितने हो गए? 624. और उसके बाद यहाँ बच गया 10, 10 में से 94, तो माइनस दोनों साइड कैंसिल, तो d की वैल्यू 94/47. तो फिर से डी आसानी से आपके पास आ गया कितना? 2. सो कॉमन डिफरेंस 2 आया बच्चों हमारे पास. अब हमें क्या करेंगे, वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 7th में डी की वैल्यू हम पुट करेंगे, चाहे फर्स्ट में इक्वेशन में या सेकंड, वो आपकी चॉइस है. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया, तो लगा लेते हैं वैल्यू. सो ए प्लस 2d, d कितना है? 2 इज इक्वल टू 12. सो आपके पास a प्लस 4 इज इक्वल टू 12. सो a की वैल्यू 12 माइनस 4. ठीक है बच्चों, तो a कितना आया आपके पास? तो a आपके पास आ गया 8. सो a की वैल्यू 8 आ गई, तो दिस इज योर a. अब आपको a भी पता चल गया, d भी पता चल गया, तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं. कौन सी निकालनी है? 29. सो 29th टर्म कैसे निकालेंगे? 29. सो a 29 विल बी इक्वल टू a प्लस 28d. सो लगा लेते हैं वैल्यूज. ठीक है, सो a कितना आया आपका? 8. a की वैल्यू 8 है, प्लस 28, और d की वैल्यू 2 है. सो 8 प्लस 56 कितना होता है? 64. तो 29th टर्म जो होगी वो आ गई 64. तो दिस इज योर आंसर, 29, 64.